नमस्कार, यदि आप अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, अपनी सांवली त्वचा को गोरा बनाना चाहते हैं, अपने चेहरे को चमकता हुआ देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखिए और समझिए। इस वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं जो आप आसानी से अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं और आप उनका इस्तेमाल करके अपने चेहरे पर लगा सकते हैं और आपको बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे फायदे देखने को मिलने वाले। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में ज्यादा देर ना लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं ऐसे कौन से वो घरेलू उपाय हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी सांवली त्वचा को सबसे गोरा बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे करूंगा छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो में। चमकता चेहरा हर लड़की को पसंद होता है, लेकिन ज्यादातर लड़कियां ऐसी हैं जो समय की कमी के कारण त्वचा पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती, जिसकी वजह से उनकी स्किन डल हो जाती है। अगर आपकी भी यही समस्या है तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे आसान घरेलू टिप्स जिन्हें अपनाकर आप अपनी त्वचा का ख्याल रख सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको बताते हैं ऐसे कौन से घरेलू उपाय हैं। मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल मिलाकर लगाने से आपकी त्वचा निखरती है, यानी कि आपकी त्वचा में रंगत आती है। कच्चा दूध त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। थोड़ा कच्चा दूध लेकर उसे चेहरे पर मलें, सूख जाने पर उसमें खाने वाला नमक लगाकर धीरे धीरे मसाज करें, इससे मृत त्वचा निकल जाएगी। बेसन, हल्दी, नींबू, दही और गुलाब जल को मिलाकर लेप बनाएं और इस लेप को चेहरे पर लगाएं। इस लेप को आपको सप्ताह में एक बार लगाना चाहिए। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, बेसन को लेना है, उसमें हल्दी डालनी है, नींबू का रस डालना है, दही डालना है और आपको गुलाब जल को डालना है। इन सभी को मिलाने के बाद आप उसका लेप बना लेंगे। उसको लेप बनाने के बाद आप अपने चेहरे पर उस लेप को लगाएंगे। सप्ताह में एक बार इस लेप को जरूर लगाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी त्वचा कुछ ही दिनों में निखर जाएगी, आपका सांवला रंग गोरा हो जाएगा, आपको काफी फायदा मिलेगा। नीम त्वचा की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके उपयोग से पिंपल्स दूर होते हैं। 4-5 नीम की पत्तियों को मुल्तानी मिट्टी में मिलाकर थोड़ा पानी को डाल लें और पीस लें। यह लेप चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद आप चेहरे को धो लें। जो नीम होता है वो आपको काफी फायदा पहुंचाता है। आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं तो उनको दूर करता है। आपको करना क्या है फ्रेंड्स, आपको 4-5 नीम की पत्तियां लेनी है। उन पत्तियों को आपको मुल्तानी मिट्टी में पीस लेना है। पीसने के बाद फिर आप इसको अपने चेहरे पर लगाएं, यानी कि पेस्ट बनाने के बाद आप अपने चेहरे पर इसको लगाएंगे और 15 मिनट बाद आप चेहरा धो सकते हैं। ऐसा करने से आपके चेहरे की रंगत निखरती है, आपके चेहरे पर पिंपल्स नहीं होते हैं, डार्क सर्कल्स नहीं होते हैं, आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। इसको लगाने के बाद आपका चेहरा और ज्यादा निखरने लगेगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, केला चेहरे की झुर्रियों को मिटाता है या त्वचा में कसाव लाता है। पका केला मेस कर चेहरे पर लगाएं, आधे घंटे बाद आप चेहरे को धो सकते हैं। खीरे का रस सांवलापन दूर करने में बहुत ही अच्छा माना जाता है। खीरे का रस निकालकर उसे चेहरे पर लगाकर 15 मिनट रहने दें, फिर चेहरा धो लें, चेहरा चमकने लगेगा। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, खीरे का रस लेना है। यदि आपकी त्वचा सांवली है और आप उसे गोरा बनाना चाहते हैं तो आपको खीरे का रस अपने चेहरे पर लगाने में करना चाहिए। 15 मिनट तक आप उसको लगा के रख सकते हैं, उसके बाद आप चेहरा धो सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं आंखों के नीचे यदि आपके काले घेरे हो जाते हैं तो रोजाना आंखों के आसपास कच्चे आलू के टुकड़े से हल्के हाथों से मसाज करें, कुछ ही दिनों में काले घेरे दूर हो जाएं। 4 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 2 चम्मच शहद, 2 चम्मच दही और 1 चम्मच नींबू का रस साथ में मिलाकर त्वचा पर लगाएं, आधे घंटे बाद चेहरा को धो सकते हैं। उसको आपको लगाने से काफी फायदा मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं अनार में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो त्वचा को पूरी उम्र जवान बनाए रखने में मदद करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल अनार में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी त्वचा को एकदम नमीदार बनाए रखते हैं, पूरी उम्र जवान बनाए दिखने में मदद करते हैं। इसीलिए रोजाना अनार का जूस पीने से भी आपकी त्वचा निखरती है। 2 छोटे चम्मच बेसन में 1/2 छोटा चम्मच हल्दी मिलाएं, इस मिश्रण में 10 बूंद गुलाब का जल, 10 बूंद नींबू मिलाकर फेंटें, इसके बाद थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर पतला लेप बना लें,
इस लेप को नहाने से पहले चेहरे पर आपको लगाना है। उसके आधे घंटे के बाद आप चेहरे को धो सकते हैं। चेहरा चमकने लगेगा, आपके चेहरे पर ग्लो आने लगेगा, सांवली त्वचा आपकी चमकने लगेगी, निखरने लगेगी, आपको काफी फायदा कुछ ही दिनों में देखने को मिलने लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये सभी ऐसे घरेलू उपाय हैं जिनका इस्तेमाल आप घर पर ही बनाकर कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से आपकी त्वचा में रंगत आएगी, आपको काफी फायदा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।